1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके मैं आ गया हूँ गाइज। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और पेपर में अक्सर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है जो प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है ये क्या है इरेशनल नंबर। जैसे हमने अभी रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करा था, सेम वही प्रोसीजर से इसको भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट हम क्या करते हैं, जैसे हमने माना था उसमें भी लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, जस्ट इसका अपोजिट लेके चलेंगे और बाद में फिर इस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, ठीक है। तो देखो, तो 3 + √2√5 इक्वल टू ए बाई बी, है ना, वही चीज़ मैंने बोला था, जो रेशनल नंबर हमने माना, तो ये इसे हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। ए और बी क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, मैं एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। को प्राइम नंबर वैसा प्राइम नंबर होता है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, ठीक है। और b इक्वल नॉट जीरो, जो ये डिनोमिनेटर में होता है ये 0, इसका वैल्यू नहीं आना चाहिए। बस वही प्रोसीजर है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो करा था बस वही है सेम अभी तक। अब देखो, अब मैंने क्या करा, इस ये जो 3 है इसको उठा के इधर ले आऊँगा, तो इसको अगर मैं इधर लाऊँगा तो ये प्लस में है, इधर आकर माइनस आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने 2√5 इक्वल टू ए बाई बी, ए बाई बी माइनस 3, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करता हूँ, मैं इस 2 को भी हटाता हूँ। तो इस 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में थे, अगर इधर आया जाएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो √5 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए बाई बी माइनस 3। इतना तक गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो अच्छी होगी आपकी, आप क्लास 10th में। देखो, अब ये स्टेटमेंट आ गया, यहीं से हमारा सवाल खत्म हो गया। इसके आगे हमें अभी बस स्टेटमेंट लिखनी है और कुछ भी नहीं करना है अभी। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि √5 को इरेशनल हमने अभी पिछले वीडियो में प्रूफ करा है, ठीक है। तो √5 ऑलरेडी हमें पता है जी ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। फिर भी देखो, यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट हमें लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, हैंस 1/2 ए बाई बी माइनस 3, ये वाला देखो, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा कंप्लीट। अगर इसको सॉल्व करो, मान लो ए का और बी का वैल्यू आपको पता है, तो ये एक पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा और वो एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। वही चीज़ मैंने लिखा है, 1/2 ए बाई बी माइनस 3 आर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, सो इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट रेशनल नंबर है, ये वाला पार्ट रेशनल नंबर है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जो रेशनल नंबर के इक्वल में जो होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ हो गया, जो √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट लेकिन हमने अभी पिछले वीडियो में ही इसे प्रूफ करा है, पिछले सवाल में ही प्रूफ करा है, क्या है, जो वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, हमने अभी प्रूफ करा था जो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देयर फोर आवर, सॉरी यहाँ पर आवर है ओ यू आर, तो आवर एजम्पशन मतलब जो हमने माना था, दैट क्या माना था, 3 + 2√5 को हमने क्या माना था, रेशनल, इज फॉल्स। जो हमने माना था 3 + 2√5 को रेशनल, वो क्या है, गलत है। तो हम कह सकते हैं क्या, 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। तो गाइज बस इतना सा लिख दो, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बस आपको इसमें क्या है, मेन ये स्टेटमेंट है, इतना सा करने के बाद ये स्टेटमेंट आपको लिखना जरूरी होता है, इस स्टेटमेंट से ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइज, आप एक बार इसे रिवाइज कर लेना, बना लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।